दादी के सिर के पास क्या क्या लाकर रख दियो और गाना भी सुना रहे हो दादी को। आज 11 बज गया जगने में, जगने के बाद थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुआ और अभी नाश्ते में आज पास्ता बना है। पास्ता थोड़ा ड्राई हो गया, थोड़ा मेरे को सॉस के साथ अच्छा लगता है, अभी वो पास्ता खा लेता हूँ। और ये टीवी तो देखने नहीं देता है। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। अभी आज की शुरुआत हुई है हमारे दिन की। अभी दोपहर वाला क्लास फिनिश हो गया, एक विंडो बंद कर देता हूँ, मैं विंडो खोल देता हूँ, फ्रेश हवा आती है और नेचुरल लाइट रहता है तो अच्छा लगता है। मम्मी का फोन ढूंढ रहा है, मम्मी छुपा कर रखती हैं चादर के नीचे, मिल नहीं रहा है इसको, इतना शिद्दत से मोबाइल ढूंढ रहा है। दम आलू का सब्जी बना है आज, बहुत तो थोड़ा सा तीखा लग रहा है। सोचा अभी सो, एसी ऑन किया, जैसे ही ऑन किया लाइट कट गई। यहाँ पर लाइट नहीं कटती जनरली, और खाने के बाद से तो हिचकी आ रहा है, एक ये भी सिर दर्द बना हुआ है। ऊपर से ये देखो, ये पीछे पड़ा रहता है स्विच के, हर एक स्विच को दबाता रहेगा। चिकन बना रहे हैं लोग अपने लिए, ये चाय पीने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, गर्म चाय है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सटाओ जलोगे ना अभी? आंटी से रोटी बनवा रहे हो बैठकर? दादी का एकदम तुम घुटना का दर्द ठीक कर दिए, डॉक्टर से कम नहीं हो तुम। इसकी आज दोपहर से शुरू हुआ है, एकदम बंद नहीं हो रहा है, दिमाग एकदम खराब हो रहा है। लाइट तो आ गई थी आधे घंटे में ही, सोए हम लोग, लेकिन हिचकी बंद नहीं हुई, अभी भी आ रही। बंद कर दो। बहुत दिनों से प्राणायाम नहीं किया हूँ तो चल रहा हूँ आज प्राणायाम कर लेता हूँ। मीटिंग में ही रह जाता हूँ एक्चुअली, सब शेड्यूल उल्टा सीधा हो गया। प्राणायाम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। प्राणायाम करते ही पूरा सिर हल्का हो जाता है। चलिए प्राणायाम डेली करना चाहिए, मेरा इस समय छूट जा रहा है एडिटिंग की वजह से। पहले मैं रात को एडिटिंग कर लेता था, अभी दिन में करने के चक्कर में दिन में होता नहीं है, फिर शाम हो ही जाता है। तो आके गाना भी सुना होता। दादी के सिर के पास क्या क्या ला कर रख दियो और गाना भी सुना रहे हो दादी को। रिमोट ढूंढ रहे हम लोग, हाँ टीवी बंद करना है, ये ला कर यहाँ रखा है। की आ रहा था तो मैं सोचा पानी पी लेता हूँ, हिचकी तो ठीक हुआ नहीं अभी। पानी पीने का एक विशेष तरीका होता है, ग्लास में लेकर पीना पड़ेगा, ठीक हो जाता है। सही से पियेंगे तो सांस भर कर पूरा पूरा सांस भर कर छोड़ना है, एकदम पूरी तरह से सांस बाहर करके एक फुल ग्लास, कम से कम 250 से 300 ml 400 ml, एक आधा लीटर जितना रहे तो ज़्यादा बेहतर। तो आधा लीटर पानी ग्लास में लेकर पूरा नाक को ऐसे दबाना है, एक्सहेल करके पूरा ब्रेथ आउट करके ऐसे दबाना है और एक सांस में पी जाना है। मैं ओप नहीं किया, सिर्फ ऐसे सिप पियेंगे, एक एक घुट दो दो घुट तो नहीं, उससे नहीं बंद होगा। अभी हिचकी तो मेरी ऐसे ही ठीक हो गई है, मैं ऐसे नॉर्मली ही पानी पी लिया। यदि रात को हिचकी आएगी तो देखा जाएगा, फिर फिलहाल तो ये देखो ये बैकग्राउंड से मुझे हंसाता रहता है। तो अभी गले में थोड़ा सा खराश जैसा भी है, नहीं अभी नहीं हंसूँगा, गले में थोड़ा कंजेशन जैसा है तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टीम ले लेता हूँ। मेरे टोज में आज चोट लग गई थी, वो जो बॉक्स है वहाँ कट गया हल्का सा, जैसे मैं पोछा था ये इनके हाथ लग गया, अभी उससे क्या इसी से मुंह पोछेगा, यहाँ फेंकेगा वहाँ फेंकेगा, इसलिए इसको लेना जरूरी है। किसी दो बेटा चल, किसी दो ऐसे मुँह से निकाल कर दिया जाता है किसी न। मम्मी सुलाएगी, मैं थोड़ा स्टीम ले लेता हूँ। ये भाग कर मेरे पीछे पीछे आ गया, इस मम्मी सुलाने के लिए बोल रही है तो मेरे पीछे पीछे आ रहा। घर में बहुत सारी चींटियाँ और कॉकरोच के छोटे छोटे बच्चे हो गए, पता नहीं एक्चुअली, पता है आई डोंट नो, नई बिल्डिंग है फिर भी। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन हटे तो पेस्ट कंट्रोल कराएं, क्योंकि 24 घंटा घर में रहना है और पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद कम से कम 8-10 घंटा तो बाहर जाना पड़ेगा। स्टीम ले ले, बॉल से खेले क्या? बॉल जाने दो, बाद में कल खेलेंगे। पेपरमिंट ऑयल है, ये जो कॉकरोच के छोटे छोटे अंडे हो गए हैं और ये सब जानवर उनको मारने के लिए। घर तो गंध मारने लग रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा ऑयल। कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, ये होता है साला पता नहीं कब निजात मिलेगा इससे, एकदम कोरोना कोरोना हर तरफ, पिछले 14 महीने से एकदम लॉक करके रखा है।
कहीं जाओ तो फ्रीडम के साथ जा नहीं सकते, कहीं रह नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते। बीच में थोड़ा सा ठीक हुआ था, वो भी डर डर कभी जाने का होता, कभी कभी एकदम फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाता, दिमाग आउट हो जाता है। एक महीने से हम लोग लॉकडाउन में हैं पूरी तरह से, मतलब घर में ही लगभग लगभग रह रहे, कभी कभार वही जरूरत के लिए जाते हैं। हेलो, अत्तू को वैक्सीन के लिए लेकर जाना है, अब बस यही हो रहा है कि अब जल्दी से कोरोना मर जाए साला, ताकि हम लोग बाहर निकले और फिर से नॉर्मल जिंदगी जिए। एकदम मतलब अच्छा नहीं लगता है कभी कभी। दोपहर से मेरे को हिचकी आ रहा था, वो तो अलग ही दिमाग था, पानी पीना चाहिए था, पीने का फिर हुआ ही नहीं। रात ज़्यादा हो गई है, मैं भी सो जाता हूँ, बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि अब जल्दी जल्दी सब कुछ को बाहर निकलने के लिए मिले। एकदम लोगों को एकदम पैक पैक देख कर और खुद भी घर में पैक रह कर और बाहर जो खोता मास्क लगा लगा कर घूम रहे हैं, अजीब ही लग रहा है सब माहौल, क्या बोलें। चलिए ठीक है, आप लोग जहाँ भी रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।